तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नवाज बिल्ली वाला में। तो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर। जो आज का टॉपिक है वो ये होगा, हमारी कैट्स की आंखों में से जो पानी आता है वो क्यों आता है, ये कैट आई इन्फेक्शन है या ये आता ही है सारी पर्शियन कैट्स की आंखों में से। तो आज इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे मेरे नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मेरी और हिम्मत बढ़ती रहे। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं डॉल फेस और फ्लैट फेस की कैट के बारे में। अक्सर डॉल फेस और फ्लैट फेस कैट होती हैं, उनकी आंखों में से पानी कभी नहीं आता। उनकी आंखों में से अगर पानी आ रहा है तो ज़रूर उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। वो प्रॉब्लम कैसी होती है? प्रॉब्लम आई इन्फेक्शन भी हो सकता है। आई इन्फेक्शन कैसे पता करते हैं? जब भी हमारी कैट जो है वो बार बार अपनी पलक को झपकाती है, जब वो ब्लिंक करती हैं उसकी आँखें, तो इसका मतलब उसकी आँखों में कुछ प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ ये होती है कि कभी कभी कैट्स जो होती हैं वो अपनी आँखों में से डिस्चार्ज निकालती हैं। उनकी आँखों में से डिस्चार्ज आता है जिसकी वजह से हमें महसूस हो जाता है कि इनके आँखों में इन्फेक्शन है। तीसरी चीज़ क्या होती है, जो आँख के नीचे का हिस्सा होता है, जब आप उसे उठा के देखेंगे कैट की, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा इन्फेक्शन है या नहीं, क्योंकि जो नीचे का हिस्सा होता है आँख की पिंक होता है। इन्फेक्शन होता है तो उसका डार्क पिंक या रेड हो जाता है, मतलब यही होता है कि कैट की आँखों में इन्फेक्शन है। दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, वो हमारे इंडिया के अंदर पंच फेस मिलती हैं, पंच फेस कैट वो प्योर ब्रीड मुश्किल से ही मिलती हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास प्योर ब्रीड होती है पंच फेस। अगर क्या होता है, हमारे आसपास के एरियो में हमने देखा है कि कुछ कैट्स होती हैं, जैसे सपोज कीजिए डॉल फेस है, उसे पंच फेस के मेल से मेट करा दिया गया, यानी कि एक नया एक्सपीरियंस ले रहे हैं। जब पंच फेस के मेल से मेट करा देते हैं डॉल फेस की या फ्लैट फेस की फीमेल को, तो क्या होता है, चार पांच बच्चे हुए, चार पांच बच्चों में किसी का तो पंच ज़्यादा हो गया, किसी का कम हो गया, एक डॉल फेस निकल गई, एक फ्लैट फेस निकल गई। तो ये अक्सर होता है, मिक्स ब्रीड हो जाती है। माँ होगी डॉल फेस, बाप होगा पंच फेस, या बाप होगा डॉल फेस, माँ होगी पंच फेस। तो उसमें जब क्रॉस ब्रीडिंग होती है तो उसमें इस तरीके की प्रॉब्लम आती है कि किसी की नाक ज़्यादा अंदर होती है, किसी की नाक ज़्यादा बाहर होती है, किसी का पंच कम होता है, किसी का पंच ज़्यादा होता है। तो इस तरीके के अजीबोगरीब फेस बनते हैं जब क्रॉस ब्रीडिंग होती है। इन्फेक्शन हो तो क्या करें और ना हो तो क्या करें? सबसे पहली चीज़, इन्फेक्शन अगर निकलता है आपकी कैट की आँखों में से, तो सबसे पहले आप नॉर्मल, मैं आपको दो होम रेमेडी बता रहा हूँ, दो होम रेमेडी ऐसी बता रहा हूँ मैं आपको, जिससे आपकी कैट का अगर आई इन्फेक्शन है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दो होम रेमेडी कौन सी हैं, गौर से और ध्यान से सुनिए। सबसे पहली होम रेमेडी ये है कि आप क्या करेंगे, आधा चम्मच शहद लेंगे, उस आधा चम्मच शहद को आपको आधे कप बॉयल वाटर में डालना है। जब आधे कप बॉयल वाटर में आप आधा चम्मच शहद मिलाएंगे, तो आपको तब तक मिलाना है जब तक वो पूरी तरीके से डिसॉल्व ना हो जाए। जब वो डिसॉल्व हो जाएगा तो आप स्टोर करके उसे रख लीजिए। आप स्टोर करके रख लेंगे, उसके बाद आपको अपनी कैट की आई में उसे एक एक दो दो बूंद सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम डालना है, उससे आपकी कैट की आई बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सेकंड होम रेमेडी में बता देता हूँ आपको कि अगर आपकी कैट की आँखों में इचिंग हो रही है, रेडनेस है और प्रॉब्लम हो रही है, और मतलब कीचड़ सा भी कुछ आता है, तो आपको एक और होम रेमेडी बता देता हूँ। मैं सारी होम रेमेडी मैं खुद यूज़ करा हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको बता रहा हूँ। होम रेमेडी ये है कि आपको क्या करना है, थोड़ी सी ना फिटकरी लेनी है, फिटकरी सभी लोग समझते होंगे। फिटकरी लेने के बाद उसे थोड़े से तकरीबन 15 या 20 ml गुलाब जल में थोड़ी सी फिटकरी डाल लेनी है, चुटकी भर फिटकरी 20 ml गुलाब जल में डाल लेनी है। उसके बाद आपको जब वो मैश कर लेनी है, आपको मिला देना, पूरा डिसॉल्व हो जाए वो फिटकरी, उसके बाद आपको कॉटन लेना है, रुई लेनी है, रुई से उसे डुबोना है, उसके बाद उसकी आँखों को साफ करना है। अगर अंदर भी चला जाए तो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मगर अगर आप उससे सिर्फ आँखों को ऊपर ऊपर से साफ़ करना है, साइडों में से साफ़ करना है, आप इसे 7 से 8 दिन करके देखिए, आपकी कैट की आई की प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी। और अगर इन दो चीज़ों से, होम रेमेडी से, आपको कोई बेनिफिट नहीं दिखता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कैट की आई में ऐसा इन्फेक्शन है जो होम रेमेडी से भी नहीं जाएगा। क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, 7 से 8 दिन में ये कैट आई इन्फेक्शन ख़त्म हो जाना चाहिए, अगर नॉर्मल है तो ठीक है। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप सिफ्लॉक्स करके एक ड्रॉप आती है,
वो मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगी, बहुत नॉर्मल आई ड्रॉप है वो, कोई भी बच्चे भी डाल लेते हैं, डॉक्टर्स को लिखते हुए देखा है। आप उस ड्रॉप को अगर आप अपनी कैट की आई में डालते हैं सुबह शाम एक एक बूंद, तो भी ठीक हो जाएगी। अब हम बात करते हैं उन कैट्स के बारे में जिनकी आंखों में से रेगुलर वाटर आता है, जो कि स्ट्रीम पंच नहीं है, पंच भी नहीं है, जो मिक्स ब्रीड है। ये कहकर सेल हो गई या ये कहकर सामने वाला बंदा ले आया कि ये पंच वैसे, अब उसको क्या है, मुस्तकिल रेगुलर पानी आ ही रहा है उसकी आंखों में से। तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये जो इसकी आंखों का पानी है ना, ये रेगुलर रहेगा, आप बस इसकी केयर कर सकते हो। तो केयर कैसे करनी है, मैं उसकी केयर बता देता हूँ आपको। केयर सिर्फ ऐसे करनी है कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ उसकी आंखों पर रब नहीं करनी है जिससे कि उसकी स्किन निकल जाए या हेयर निकल जाए, क्योंकि उसकी आंखों में जब यहाँ से आंसू आते हैं, टीयर्स आते हैं, पानी आता है, तो निशान पड़ जाता है। आपको क्या करना है, रेगुलर आपको सुबह उठते ही या फिर रात को सोते वक्त 24 घंटे में एक टाइम मुकरर कर लो, उसकी आंखों को कॉटन से भी सिर्फ यूं 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 करके और उसे हटा देना है बस, यानी कि पानी को सिर्फ सोखना है, उसके बाद कुछ नहीं करना। अगर आप इतना भी करते रहोगे तो आपकी 50% प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी।